आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस हम कैसे चेंज करें, और अगर हम इसे चेंज करते हैं तो क्या इंडिया में ये इलीगल है। हम इसे ये भी जानेंगे कि कैसे हम आईपी एड्रेस को विंडोज 10 और एंड्रॉयड फ़ोन में चेंज कर सकते हैं, और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, मैं अवतार चैनल से आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस एक 4 डिजिट नहीं बोल सकते हैं, 4.3 डॉट से सेपरेटेड कुछ डिजिट्स होता है, जिनसे आपके नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है पूरा ऑल ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड में। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड से आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, उसी तरह से आपके नेटवर्क को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईपी एड्रेस से मिलता है। अब बात करते हैं क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो बात आता है कि क्या हम इंडिया में इसे अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हमें इसके लिए कुछ इलीगल बोला जा सकता है क्या। इसको इलीगल इंडिया में नहीं बोला जा सकता जब तक कि आप इसका सही यूज़ करते हैं। अगर आप इसे हैकिंग पर्पस, कुछ स्कैमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको ज़रूर इसके लिए कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिनसे आपको भी बाद में कन्फ्लिक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि अब हम इसे चेंज कैसे करें, और अगर हम इसे चेंज करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। इसे चेंज करने के सबसे मेजर फायदे हैं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट में जिसमें आप अपना लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उस समय आईपी एड्रेस को चेंज करके आप उन सारे वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो कंट्री में बैंड है, उन सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आईपी एड्रेस जनरली यूज़ किया जाता है। आईपी एड्रेस आप जैसे कि आप इंडोनेशिया या फिर किसी और कंट्री का यूज़ करते हैं, तो आपका लोकेशन जो है करेंटली वेब जो आपका नेटवर्क है वो शो करेगा कि आप दूसरे कंट्री में। विंडोज़ में हमारे पास आईपी एड्रेस को चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, हम आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे, सीएमडी प्रॉम्प्ट जो आएगा इसे हम यहाँ पर ओके करेंगे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है IPConfig, IPConfig, और इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस जो है ये आ गया है यहाँ पर, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में, स्टार्ट बटन के बाद, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे नेटवर्क्स में, उसके बाद हम जाएंगे इस यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है वाईफाई जिससे आप कनेक्टेड हैं उसे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको स्क्रॉल नीचे करना है, और यहाँ पर आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा इस जगह पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फोन स्क्रीन में आ चुके हैं, और हम यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे आप आईपी एड्रेस को चेक और चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर दो ऐप को आपको प्रेफर करूँगा, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर पहला ऐप का नाम है माई आईपी एड्रेस और दूसरे का है सिक्योर वीपीएन। इस जगह पर आप दूसरे भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर माई आईपी एड्रेस में क्लिक किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो हमारा आईपी एड्रेस जो है लोकल आईपी यहाँ पर नीचे जो है दिखा रहा है, सेकेंड वाला 179.117.179 इंड में जो करके है, यही हमारा आईपी एड्रेस है। इसे मैं जियो नेट से जिससे कनेक्टेड हूँ, अब मैं इसे आपको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर वीपीएन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं किसी एक लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं, फ्रांस को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं। हम फिर से जाएंगे माय आईपी एड्रेस में और यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं 172.16.01 चेंज हो चुका है आईपी एड्रेस। इस तरह करके आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। विंडोज़ 10 में आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मैं सिंपल तरीका सबसे पहले यूज़ करूँगा, जिनसे आप सिंपली आईपी एड्रेस को अपने चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस को अपना शो कर देता हूँ, जिनसे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आईपी एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप इस जगह पर देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस 192.168.117 इस तरह करके है, और मैं अब इसे चेंज करूँगा और यहाँ पर मैं फिर से आईपी कन्फिग का डालूंगा कमांड, जिससे मुझे आईपी एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैकफी की तरफ से ऑटोमेटिकली एक लोडेड आया है इसमें, इस लैपटॉप में एंटीवायरस, जिसमें से वीपीएन का सेटिंग दिया हुआ है, तो मैं उस वीपीएन को यूज़ करके मैं आप यहाँ पर सेटिंग करने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं खुल चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर वीपीएन, मैं इसे क्लिक करूँगा और हम यहाँ वीपीएन को ऑन करेंगे और हम यहाँ पर सर्वर जो है वर्चुअल लोकेशन इंडोनेशिया को रहने देते हैं। ये कुछ टाइम लगाएगा सर्वर कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड हो गया है। जैसे यहाँ पर कनेक्ट हो गया, हम यहाँ पर फिर से कमांड देंगे आईपी कन्फिग का, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर
पीपीएम मैक भी वीपीएन लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा आईपी एड्रेस जो है ये हो चुका है अब, ये आईपी एड्रेस। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस को विंडोज 10 में चेंज कर सकते हैं। अब बात करें दूसरे तरीके की आईपी एड्रेस कैसे विंडोज 10 में चेंज करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में स्टार्ट बटन में जाना है, आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना है चेंज एडाप्टर सेटिंग्स। एडाप्टर सेटिंग्स के बाद आपको जहाँ पर जाना है जिस आपको वाईफाई से कनेक्टेड है उसमें जाना है, और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है TCP/IPv4, ये इस वाले ऑप्शन में जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है टिक किया हुआ है ओबिटेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, उसको आपको अनटिक करके नीचे जो है यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस डाल देना है मैनुअली जो भी आप आईपी एड्रेस रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी आप आईपी एड्रेस डालेंगे तो आपको यहाँ पर रॉन्ग बताएगा, तो रॉन्ग को रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि आप जो है आईपी एड्रेस जिस यहाँ पर डाले हैं वो आईपी एड्रेस हो नहीं सकता कि किसी लोकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो आपको एक्यूरेट एक सही आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ARP --A, और आपको उसके बाद इंटर दबा देना है। उसके बाद देखिए आपको कितने सारे आईपी एड्रेस यहाँ पर दिख जाता है, ये सारे आईपी एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं, सारे स्टैटिक आईपी एड्रेस हैं और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरह करके। तो आप देख सकते हैं कि आपको हमने दो तरीका बताया जिसमें से आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहला वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है आपको, जिसमें से वीपीएन डाउनलोड करना है और आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा।